जहां दुनिया में कोरोना महामारी ने भारत को भी अपना निशाना बना लिया था, वहीं हर हाथ मदद को आगे आने लगा। लॉकडाउन लगाना सरकार की मजबूरी हो गई थी, वहीं सरकार के साथ हर कोई कदम से कदम बढ़ाकर नेक कार्य करने लगा। वहीं राजनीतिक दलों ने भी हर संभव मदद की। आज बात ऐसी ही हस्ती की कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत राई से भाजपा के मेहनती कर्मठ वरिष्ठ नेता और ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेंद्र धीमान, जो भाजपा पार्टी के लिए पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को हर रोज राशन पहुंचाने का नेक कार्य धीमान ने किया। इसी संदर्भ में अर्थप्रकाश टीवी ने नरेंद्र धीमान से विशेष बातचीत की। देखें सोनीपत से आदेश त्यागी की यह रिपोर्ट। अर्थप्रकाश की टीम अभी पहुंची है राय विधानसभा में और हमारे साथ हैं राय ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेंद्र धीमान जी। सर, बड़ौदा चुनाव को लेकर क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इस बार हमें बड़ौदा चुनाव, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और इस कार्य जो अभी कोरोना काल में या उससे पहले जो बीजेपी के द्वारा कार्य किए गए हैं, उन सब का नतीजा हमारा उपचुनाव होगा। आप देखेंगे भारी मतों से हम यहाँ जीतेंगे और साथ ही साथ जो अभी जिला अध्यक्ष के रूप में मोहनलाल बड़ोली जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसका भी एक अलग प्रभाव रहेगा। हमारे जो नेता है मोहनलाल जी, बड़े अच्छे हैं, कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान और लगन से कार्य करते हैं और हम भी मोहनलाल जी के साथ हैं। जहाँ जो ड्यूटी लगाई जाएगी बड़ौदा उपचुनाव में, हम सब उनके साथ जाके कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी मतों से जीत कराएंगे, हम ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता हमारे साथ है। अब मोहनलाल जी ने कोरोना काल में जो कार्य किए, मोहनलाल जी ने जो जनसेवा अपने एरिया में की, आज वो चारों तरफ फैलाव है, उन सब बातों को देखते बड़ौदा चुनाव पर भी उसका इफेक्ट आएगा और उसमें हम भारी मतों से जीत के दिखाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राय विधानसभा से ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेंद्र धीमान जी, सोनीपत से आदेश के साथ अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।